किसी भी हम कोई काम रहे हैं उसको दे रहे हैं राशन नहीं है पता है आप राशन दे रहे हैं मुझे लोगों की शिकायत नहीं है ऐसी कोई बात नहीं लेकिन जो मेरा पैरामीटर आपको सही कर रहा है जो ठीक कर रहा है वो भी कर रहे हैं वो नहीं है नहीं मेरा इतना पता ही अब आप देखो ज्यादा राशन देने का मतलब है मुझे अगर 20 क्विंटल की जगह 25 जेके फर्स्ट न्यूज़ पर सफर का खैर मकदम है। आज एजी जोरी ने मीटिंग ली सारे डीलर्स की जो राशन डिपो के डीलर थे उनको आज क्या हिदायत एडी साहब की तरफ से इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एडी साहब जुड़े सर खैर मकदम हमारे चैनल पर थैंक यू सर आज आप तालापुर में आए किस विषय में आए और सर किस चीज़ की मीटिंग आ रहा है सर देखिए हमारा जो एक वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट चला है जो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है हमारे रिसेंटली उसका एडवाइजर फारूक खान साहब ने हमारे कोशिश सेक्टर ने जम्मू में उसको लॉन्च कर दिया वन नेशन वन राशन कार्ड का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इंडिया की जो 80 करोड़ PHS बेनिफिशरीज हैं वो अंडर सिंगल FPS के आ जाए मीन्स कि आपका महाराष्ट्र का बंदा है यूपी का है बिहार का है दिल्ली का है राजस्थान का है अगर वो यहाँ काम कर रहा है तो वो अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा और यहाँ से उसको उसकी इंटाइटल फूड रेजिस्ट्रेशन मिल जाएगी तो यही उस चीज़ के लिए हमें जो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो हमने लॉन्च करना है जिसमें हम फुली रोल आउट होने जा रहे हैं 5 अगस्त को उसको हमने फेजेस मैनर में चला रहे हैं और उसके लिए हमें 100% आधार सीडिंग जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया में ये कंसेप्ट है 20 स्टेटों में ऑलरेडी ये चल रहा है रिमेनिंग स्टेट्स हमारी थी और कुछ और स्टेट्स हैं जिनमें ये लॉन्च हो गया है तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ डीलर से मिल रहे हैं जो उनको कुछ परेशानियाँ आ रही हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आपको इसमें कामयाब कैसे होना है फेज मैनर हमारा ये था 20 जून से 30 जून तक हमने 100 FPS रजौरी डिस्ट्रिक्ट की देनी थी जिसमें 30 FPS हमने चूज़ की थी कालाकोट की 30 जून को वो हम उसका स्टेटस शेयर करेंगे अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ डायरेक्टोरेट के साथ जो रोल आउट हो जाएंगी वन नेशन वन राशन कार्ड इसी तरीके से सेकेंड फेज हमारा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है जिसके अगली 30 FPS हमें उठानी है तो कंप्लीट 10 डेज के इस शेड्यूल के साथ हमारा 10 जुलाई से 20 जुलाई फिर 20 जुलाई से 30 जुलाई और 5 अगस्त को हम 100% रोल आउट कर देंगे कंडीशन में तो सर इसको रोल आउट करने के लिए जो मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी वो कब से सर डीलर्स को प्रोवाइड की जाएगी मशीनरी ऑलरेडी इसमें लगी हुई है FPS मशीन जो है जिसको हम POS डिवाइस कहते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो तो हम इस चीज़ का तो पहले से हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट में 467 डीलर्स हैं तो उनके पास पूरी मशीनें लगी हुई हैं इस चीज़ के हम मैकेनिज्म में पहले से चल रहे थे तो ये हमने इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसकी तो ये सबसे आप हिदायतों के लिए कि इसे जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट करें राइट जो डेट दी गई है उससे पहले ये राइट हम तो कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर मुझे अच्छे तरीके से साथ मिले ये मेरा फर्स्ट राउंड में अपने मैं डीलर्स और PSOs के साथ मिल रहा हूँ सेकेंड राउंड में मैं कोशिश करूंगा पंचेस सरपंचेस के साथ मिलना थर्ड राउंड में मैं डायरेक्ट जो है पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करूँगा तो इस तरीके से हम भी डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल कम है आप जैसे देखेंगे अगर ये 20 जून से इसको स्टार्ट किया गया तो 5 अगस्त में लास्ट डेट है तो ऑलमोस्ट कोई 45 डेज हमें ये दिए गए तो उन 45 डेज में हमने करना था तो काउंट डाउन शुरू हो चुका है आज अगर लगभग आप सोचो तो कोई 37 डेज हमारे पास रह चुके हैं ऑलमोस्ट हम इस टाइम जो हमारी FPS डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो हमारी लगभग 50 FPS 100% हो भी चुकी है तो हमें जो टारगेट दिया गया था हमारी कोशिश है हम उस टारगेट से अब वो अचीव करें सर आप पहली बार आज कालाकोट में इंटरेक्ट हुए हैं जो डीलर के साथ तो सर किस किस्म की परेशानी है जो खुल के डीलर्स ने बताई आपके साथ इनकी जो देखिए इसमें ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें एक चेंज है हमारे डीलर जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन एक बड़ा ही सिंपल डिवाइस इनको दिया गया है उस सिंपल डिवाइस में क्या करना है उसके फिंगरप्रिंट से ही वो मशीन ओपन होगी जब बेनिफिशियरी आएगा वो अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा वहाँ सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा ये बेनिफिशियरी इतना एंटाइटल्ड है 5 मेंबर अगर उसके PHS राशन कार्ड का है तो 25 kg का एंटाइटल्ड है वो कितना लेना चाहता है फर्स्ट फेज में उतनी ही उसके साथ एक पेन लगा हुआ है डिवाइस के साथ उससे वो डीलर सेलेक्ट करेगा उसको बताएगा कि मुझे 3 मेंबर्स का पहले दे दो या पूरे 5 मेंबर्स का दे दो या 2 मेंबर्स का दे दो तो उसी बेस से इतना सिंप्लीफाइड इसको किया गया है कि इसको कोई भी चला सकता है मीन्स एक ब्रिटिश माइंड को दिमाग में रख के ये जो है ये डिवाइस तैयार किया गया तो जो प्रॉब्लम्स इनकी थी जैसे जैसे इनको प्रॉब्लम्स आए जो उन्होंने मुझे बताया मैंने उनको प्रॉम्प्ट उनका सोल्यूशन दिया इनकेस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ये हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहेंगे हमें फ़ोन करते रहेंगे हम फोन पर भी 24 आवर्स इनके साथ इनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते रहेंगे
तो हमारे साथ में एडी सर, इन्होंने बताया कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको देखा जाएगा और हल किया जाएगा। जो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो मुद्दा चलाया गया है उसे पूरा किया जाएगा, जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, सबको राशन वितरण होगा, इसी उद्देश्य के साथ आज की मीटिंग थी। इसी के साथ कैमरा मैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फासनी में कालाकोट से। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए